हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन जीएस में। और आज हम देखने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का 10th वीडियो, जिसमें कि हम देखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ये वीडियो मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, मेरा नाम है अभिनव राज। तो इससे पहले कि ये 9 वीडियोज हैं जिनका कि लिंक आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ क्लिक करके इन वीडियोज को देख सकेंगे। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन वीडियोज को देखने के बाद ही आप 10th लेक्चर देखें, ताकि सही ढंग से आपको ये टॉपिक समझ में आ सके, क्योंकि जो पहले यहाँ टॉपिक्स कवर्ड किए गए हैं उनके आधार पर ही ये वीडियो है, मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो चलिए ये टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले हम ये ग्राफ देखते हैं, जिसमें कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये तो सभी जान रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम इनकम को दिखाए हैं और इनकम को डिनोट करते हैं वाई से इकोनॉमिक्स में। और इसी तरह से वाई एक्सिस पर हम ये चार डाटा लिखे हुए हैं, सी एस आई और ई। तो यहाँ सी का मतलब है कंजम्पशन, एस का मतलब सेविंग, आई से इन्वेस्टमेंट और ई से एक्सपेंडिचर, जबकि वाई से हम इनकम देख चुके हैं ये बात। तो इस तरह से ये पहले तो रिप्रेजेंटेशन हो गए सी एस आई ई और वाई से। अब चलिए आगे देखते हैं कि एक हम ये लाइन ड्रॉ किए हैं, अप्रोक्सीमेटली देखने में लग रहा है 45 डिग्री पर, जिसका कि इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई। यहाँ y तो इनकम है और e से एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस इक्वेशन का मतलब हो गया कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं वो सारा का सारा हम पैसा खर्च करते रहे हैं। तो ये पॉइंट या ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है, यानी ये वाली लाइन y इक्वल टू e की, तो इसको हम बोलेंगे कि ये लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर हम इससे ज्यादा आगे, जैसे सपोज कोई यहां पॉइंट है, इस पॉइंट पर, इस जगह पर हम देखना चाहें, तो ये हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। कैसे? यहां इनकम है, एक्सपेंडिचर यहां है, यानी हम यहां घाटे में है, जबकि हमारा अगर कंजम्पशन यहां है, या एक्सपेंडिचर कंजम्पशन मिलता जुलता टर्म है, आप समझने का कोशिश कीजिए, और ये पॉइंट पर इनकम है तो हम सरप्लस में हैं, यानी हम ज्यादा कमा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर क्या जितना कमा रहे हैं सारा का सारा हमारा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन इंसान जब नहीं भी कमा रहा होता है, फिर भी कुछ तो बेसिक खर्च है ही जो उसे करना ही पड़ता है, जिसको कि बेसिक क्या बोल सकते हैं कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये सारे चीज हैं, ये चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम सी से दिखा रहे हैं, यानी कंजम्पशन को। तो ये जो पॉइंट है ये जीरो से नहीं स्टार्ट हुआ है, जैसे इस पॉइंट पर जीरो से नहीं स्टार्ट हुआ है, कुछ ये हाइट से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि इंसान जब नहीं भी कमा रहा होता है तब तो उसको रोटी कपड़ा ये सब चाहिए ही चाहिए। इसलिए अब देखिए, यहां का कोई भी अगर पॉइंट ले ले, सपोज हम यहीं का बात करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या देख रहे हैं कि इस व्यक्ति का इनकम से ज्यादा कंजम्पशन है। तो ये क्या है, इस जगह पर जो व्यक्ति है ये दूसरे से पैसा लेकर अपना काम चला रहा होगा, यानी कि इसकी सेविंग निगेटिव में है, निगेटिव सेविंग कहेंगे ना। लेकिन जब वो पॉइंट क्यू पर पहुंचता है तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहां पर कि उसका कंजम्पशन और उसका इनकम दोनों बराबर है इस जगह पर क्यू पर। अब अगर वो क्यू से आगे बढ़ता है तो क्या होगा कि उसका इनकम ज्यादा होगा और कंजम्पशन उस मुकाबले में कम होगा, तो यहां से उसकी पॉजिटिव सेविंग शुरू हो जाएगी। यानी इधर जैसे जहां पर अभी हम हेजिंग कर रहे हैं, ये जोन हो गया पॉजिटिव सेविंग का, समझ पा रहे हैं ना। पॉजिटिव सेविंग क्यों? क्योंकि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, कंजम्पशन कम है। लेकिन यहां पर क्या यहां पर सिचुएशन था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही वाली बात है, ठीक है। अब देखिए, अगर सरकार चाहती है कि हम लोगों का कंजम्पशन बढ़वा दें, तो कभी भी कंजम्पशन का जो ग्राफ है एकदम से तेज स्टीप स्लोप नहीं बनाती है। तेज कहने का मतलब स्टीप स्लोप, क्योंकि ये बिहेवियरल चेंज होता है, एकाएक चेंजिंग नहीं लाया जा सकता है।
जैसे कि अभी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम चल रही है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान ही, तो यहाँ बिहेवियरल चेंज का जरूरत है। एक बार में लोग एकदम से नहीं सुधर जाते हैं, अगर उन्हें गंदगी फैलाने की आदत है तो धीरे धीरे उस आदत में चेंजिंग आएगी। उसी तरह से जो कंजम्पशन है ये भी बिहेवियरल चेंज है, धीरे धीरे चेंजिंग आता है, तो इसलिए इसका स्लोप कभी भी स्टीप स्लोप नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर सरकार चाह रही है कि हम कंजम्पशन बढ़वा दें, क्यों कंजम्पशन बढ़वा दें? कंजम्पशन बढ़ेगा तो ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर नई लोगों को रोजगार मिला वो फिर ज़्यादा चीज़ का डिमांड करेंगे, इस तरह से क्या होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा, है ना? तो गवर्नमेंट क्या यही इंटेंशन होता है कि हम कंजम्पशन बढ़वाएं। तो ये कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? जब सरकार इनकम बढ़ा देगी तभी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कि जब सैलरी बढ़ जाता है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्पशन में थोड़ा चेंजिंग आता है, यानी लोग थोड़ा कंज्यूम करने लगते हैं। एकदम से नहीं वहाँ बढ़ा था, देखिए 20% ही बढ़ा था, ऐसा नहीं कि 80% बढ़ गया था। तो वही बिहेवियरल चेंज है, उसी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये सी डैश है जो कि नया कंजम्पशन है जो सरकार चाह रही है, तो सरकार ये कैसे करेगी, कोई सा एक स्कीम लाके इन्वेस्टमेंट करके, जैसे सी से लेके और सी डैश तक, ये जो पॉइंट यहाँ इस बीच में जो जोन है, इसमें क्या है कि सरकार अगर पैसा इन्वेस्ट करती है, ये किस तरह से हो सकता है तो आप याद पाड़िए जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला जब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज रोड बनने शुरू हुए, हाईवे। इससे क्या हुआ, हाईवे बना, तो हाईवे बनाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, रोड रोलर चाहिए, डंफर चाहिए, इसके अलावा सीमेंट, गिट्टी, छड़, वर्कर्स के काम करने के लिए, फिर कुदाल, छोटा से छोटा चीज और बड़ा से बड़ा बहुत तरह के चीज यूज में आएंगे, और उतने चीजों का प्रोडक्शन होगा, इतने चीजों के प्रोडक्शन करने के लिए नए वर्कर्स चाहिए। तो क्या देखेंगे, अब नए वर्कर्स को जब सैलरी मिलेगी तो नए नए चीजों का कंजम्पशन करेंगे, तो इस तरह से सैलरी बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो यही ये चीज रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए, पहले क्यू से बढ़ के अब जो नया इक्विलिब्रियम है क्यू डैश आ गया इस पॉइंट पर। तो क्यू से क्यू डैश कैसे आया, जब गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा दी तब क्यू से क्यू डैश आ गया। और ये जो दो अलग अलग तरीके से हैच किया हुआ है, जैसे ये वाला जो हैचिंग है और इसका हैचिंग थोड़ा अलग है, तो बस ये आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो इंसर्कल अभी किया ये निगेटिव सेविंग का जोन है और ये पॉजिटिव सेविंग का जोन है। लेकिन अब एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, जब सरकार कंजम्पशन बढ़वा दी तो लोगों का सेविंग घट गया। कैसे, जैसे इस पॉइंट पर इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज पी। तो पहले इस व्यक्ति का इनकम अगर यहाँ था और एक्सपेंडिचर तो इस पॉइंट पर था, सी वाले लाइन पर, तो उसकी सेविंग इतनी थी, लेकिन अब कंजम्पशन बढ़ गया तो उसकी सेविंग घट गई। सरकार चाहती तो यहाँ भी सी डबल डैश लाइन खिंचवा सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़वा दे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़वा देना भी रिस्की होता है, तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है। सेविंग का कनेक्शन बना रहना चाहिए। सेविंग क्यों जरूरी है, ये पास्ट लेक्चर्स में बात हुई गई है, लोग अपने साथ क्यों पैसा रखना कुछ पसंद करते हैं, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करना पसंद करते हैं, जो भी कारण है। तो ये फाइनल हम लोग देख रहे हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे डिटरमाइन हो रहा है। जब इनकम बढ़ रहा है तो उस हिसाब से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और सेविंग कम हो रही है। इस बात को हम यहाँ पूरी तरह से ग्राफ से समझ रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये क्यू जो पॉइंट था सबसे पहले, तो उससे जो लाइन खींच रहे हैं इनकम वाले लाइन पर, तो वाई इजकल टू सी है, यानी जितना कमाई है उतना खर्च है। और उसे पहले का कोई पॉइंट ले लेते हैं इधर से, जैसे खींच लिए, यहाँ क्या है, इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा था। लेकिन क्यू से जब हम राइट वार्ड शिफ्ट होते हैं, जैसे क्यू डैश पॉइंट पर ही देख लेते हैं, या और आगे बढ़ जाते हैं,
क्यू बहुत ज्यादा राइट आगे आ गए, तो क्या देखेंगे, जैसे ये बी पॉइंट है, यहाँ इनकम बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से कंजम्पशन कम है। देखिए आप यहाँ बिल्कुल समझ पा रहे होंगे इस चीज को, ये क्यू हो गया जो पुराना इक्विलिब्रियम स्थापित था, और क्यू डैश जो कि सरकार ने नया इक्विलिब्रियम स्थापित करवाया, ठीक है। और यही जो बीच का ये सी से सी डैश के बीच में, मतलब ये वाला जो जोन है, अगर मैं कलर करूं, अब देख पाइए ये पूरा की पूरी तरह से जो मैंने अभी रंग दिया, यानी ये रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच में, ओके। तो ये क्या है, ये प्लांट इनकम है, यही प्लांट इन्वेस्टमेंट नॉट इनकम, यही तो सरकार खर्च की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या कोई भी स्कीम ला के इस तरह का, जहां से ज्यादा पैसा मार्केट में लाया जा सके। तो एक बार सारे एक्रोनिम्स को देख लेते हैं, ये सी, सी से कंजम्पशन, ये वाला लाइन जो दिखाया गया था जो पहले था, और इसके बाद देखिए सी डैश, ये न्यू कंजम्पशन का लाइन हो गया ये वाला, और ये जो बीच में हो गया प्लांट इन्वेस्टमेंट, यही है, ये सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले सेविंग का बैंडविड्थ ज्यादा था, और जब सी डैश हो गया सी से बढ़ के, तो सेविंग घट गई, एस में कमी आई है। इसी तरह से आई इन्वेस्टमेंट है, यही जो प्लांट इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है, ई एक्सपेंडिचर है, वाई इनकम है जो कि हम एक्स एक्सिस पर यहाँ देखे, वाई इजकल टू ई लाइन क्या बता रहा है, जो कि लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है। उसी तरह से क्यू है, पहला इक्विलिब्रियम जहाँ स्थापित हुआ था, जहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल था, और क्यू डैश जो कि सरकार ने नया स्पॉन्सर करके, प्लानिंग करके नया इक्विलिब्रियम स्थापित करवा दिया। अब यहां हम ये बात तो समझ ही चुके हैं कि कंजम्पशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, यानी जब हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो जो सेविंग है उसमें कमी आएगी, यानी कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो सेविंग में कमी आएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारी 100 रुपये आमदनी है, पहले हम 50 रुपये खर्च करते थे और अब 60 रुपये खर्च करने लगे, तो अब 40 रुपये ही बचा पा रहे हैं, जबकि पहले हम 50 रुपये बचा पाते थे। तो ये बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और हम समझते भी हैं, ठीक है। और जो एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है, ये कि द कंजम्पशन बिहेवियर नेवर गोज इन ए स्टीप स्लोप, यानी कंजम्पशन का जो बिहेवियर है वो एकदम से ऐसे स्टीप स्लोप नहीं बनाएगा इनकम की तरह, जैसे इनकम का स्लोप है ये कितना स्टीप है, और ये कंजम्पशन का जो स्लोप है जेंटल है। तो यही कंजम्पशन में जो चेंजिंग आती है ये बिहेवियरल चेंज है, लेकिन इनकम वाला जो स्लोप है वो स्टीप हो सकता है क्योंकि बिहेवियरल नहीं होता है, ठीक है। तो आज ये हमारा यहीं पर वीडियो कंक्लूड करते हैं, हम एक बार सारे ग्राफ को एक साथ दिखा देते हैं आपको। जैसे ये तो पहले हम दिखाए एक्स वाई एक्सिस को, फिर किस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ किए वाई इजकल टू ई, उसके बाद ये कंजम्पशन का लाइन, और सी के बाद सी डैश दिखाए जो कि गवर्नमेंट नई कंजम्पशन की लाइन लेकर आ रही है, दोनों के बीच में जो गैप है यही इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट। इसके बाद क्या है कि यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से पहले निगेटिव सेविंग था और यहाँ पॉजिटिव सेविंग था, लेकिन नए कंजम्पशन के आने पर सेविंग इतना से घट के बस इतना रह गया हमारा, जो कि पहले इतना बड़ा सेविंग था हमारा। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेविंग घटेगा, यही है इस टॉपिक का मतलब क्रक्स जो बोलेंगे कि डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट, पॉलिसीज लाके कितना हमको कंज्यूम कराना है, ये सब कुछ गवर्नमेंट किस तरह से तय कर देती है, आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।